हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो भी रिंग के टाइप्स हैं और कुछ तो उनको देखेंगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ हमें नए नए प्रॉपर्टीज ऐड करते जाने हैं अंडर मल्टीफंक्शन ग्रुप बनाने के लिए। एक कंडीशन ऐड किया, नाम बदल जाएगा उसका। इससे आगे बढ़ने इससे पहले हम कुछ नोटिस डिफाइन, आप जानते हैं कि ग्रुप में जब जब भी हम आइडेंटिटी का जिक्र करते थे तो आइडेंटिटी के लिए हम ये नोटेशन यूज करते थे ई। लेकिन अब अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप अगर ये बन रहा है तो यहाँ पे जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी की तौर से यूज करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी अगर उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो उसको हम जनरेट करेंगे वन से। यहाँ पे हम जब रिंग बनाने के लिए और नए कंडीशन ऐड करेंगे, थोड़ा सा सीक्वेंस बदल सकता है, क्योंकि जैसे कि एसोसिएटिविटी के बाद आइडेंटिटी आना चाहिए, उसके बाद इनवर्स आना चाहिए, उसके बाद लास्ट का कम्यूटेटिव कंडीशन आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अंडर एडिशन, अगर ये रिंग है और अगर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग में सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब फॉर ऑल ए इन आर देर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन आर सच दैट ए इंटू वन शुड बी इक्वल टू ए फॉर ऑल ए इन आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम वन को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ से आगे रिंग में हम उसको बोलेंगे यूनिटी। सो वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सो हम इसको बोलेंगे यूनिटी, क्योंकि ये रिंग है और इसमें यूनिटी है। सो हम इसको बोलेंगे आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज अ रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी। सो जैसे ही रिंग में अंडर मल्टीप्लीकेशन का थर्ड कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेट आइडेंटिटी ऐड होगा, सो उस पांच प्रॉपर्टी के बाद एक छठवा प्रॉपर्टी अगर उसमें ऐड होता है तो उसको बोलेंगे रिंग विथ यूनिटी। इसके बाद ऑब्वियसली आप सोचोगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन नहीं, उससे पहले हम पांचवी कंडीशन ऐड करने की कोशिश करेंगे। अगर रिंग है आर और अगर उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी होल्ड होता है फॉर ऑल ए बी इन आर, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, सॉरी कम्यूटेटिव रिंग। सो अगर वो पांच प्रॉपर्टी के बाद छठवीं प्रॉपर्टी अगर ये ऐड किया जाए तो उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। अगर उसमें पांच प्रॉपर्टी के बाद यूनिटी का प्रॉपर्टी ऐड किया और ये भी ऐड किया, अगर ये सातों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब वो बन जाएगा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सो इफ आर इज अ रिंग एंड इट हैज यूनिटी एंड कम्यूटेटिविटी होल्ड, सो आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। नाम ही है कम्यूटेटिव रिंग विद, कम्यूटेटिव वर्ड है इसका मतलब उसमें कम्यूटेटिव ऐड करनी है, विथ यूनिटी वर्ड है इसका मतलब उसमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का
कंडीशन ऐड करना है डेफिनेशन में। अगर रिंग विथ यूनिटी है लेकिन वो कम्यूटेटिव नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इफ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी इन आर एंड इट हैज अ यूनिटी सो आर विल बी नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। जैसे कि मैट्रिक्स का है अंडर एडिशन अगर आप सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट करोगे तो अबेलियन ग्रुप बन जाता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है और उसमें आइडेंटिटी है क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो यूनिटी का काम करेगा। सो नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि रिंग कम्यूटेटिव है लेकिन उसके यूनिटी यूनिटी ना हो। सो इफ ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी इन आर रिंग आर एंड इट हैज नो यूनिटी सो उसको बोलेंगे आर इज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, क्योंकि इसमें यूनिटी नहीं है, विदाउट यूनिटी। सो अगर आप नाम भी समझ लोगे तो भी आपको कौन सा कंडीशन ऐड या फिर एक्सक्लूड करना है वो समझ में आएगा। उसके बाद आगे जाने से पहले हम एक डेफिनेशन लेंगे, वो डेफिनेशन है जीरो डिवाइजर्स। और उस डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन से 2 एंड 3 आर डिवाइजर्स ऑफ 6, क्योंकि 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं वो डिवाइड करते हैं और जो भी नंबर डिवाइड करता है हम उसको डिवाइजर्स कहते हैं। सो 2 एंड 3 आर डिवाइजर्स ऑफ 6। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एन मेरे लिए 8, सो 2 एंड 4 आर डिवाइजर्स ऑफ 8। अभी इसमें लिखावट ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, 2 एंड 3 आर 6 डिवाइजर्स। मतलब मीनिंग वही है, सिर्फ लिखावट अलग है, 2 एंड 3 आर डिवाइजर्स ऑफ 6 लिखने की जगह 6 डिवाइजर्स। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 के 2 और 3 फैक्टर हैं, ऐसे कुछ रिंग हैं जिसमें 0 को मैं 2 नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो इस हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो क्या दिखता है, ए और बी 0 के फैक्टर्स है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एंड बी आर 0 डिवाइजर्स। सो ये वो डेफिनेशन है। सो क्या चाहिए उसके लिए, सो इफ आर इज अ रिंग, आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, एंड ए इज नॉन जीरो बी इज नॉन जीरो इन आर, then a and b are said to be 0 divisors if ab equal to 0। so अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीशन 0 आ रहा है तो उसको दोनों एलिमेंट को बोलेंगे 0 divisors। so अभी हम बढ़ते हैं रिंग के नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए, सातवां। वो डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन। ये पहला ऐसा डेफिनेशन है जिसमें नाम से वो कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है। सो इस डेफिनेशन के लिए आर को क्या होना चाहिए, आर इज कम्यूटेटिव
रिंग विथ यूनिटी, इफ आर हैज नो जीरो डिवाइजर्स, देन आर इज नोन एज इंटीग्रल डोमेन. So a commutative ring with unity without zero divisors is known as integral domain. ऐसा commutative ring with unity जिसमें zero divisors नहीं है, so उसको हम बोलेंगे integral domain. So इसका मतलब वो, अगर वो integral domain नहीं है, ये mathematically हम कैसे लिखेंगे, अगर वो integral domain है इसका मतलब उसके उसके पास zero divisors नहीं है. So उसके पास zero divisors नहीं है, how you prove it mathematically? It means you have to show that AB is zero only if A is zero or B is zero. AB is zero only if A is zero or B is zero. So either A को zero होना चाहिए या फिर B को zero होना चाहिए. So ये जो है mathematically prove करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ये condition. So जब भी आपको कोई भी ring इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो हमें ए बी इक्वल टू जीरो एज्यूम करना है और ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है. इसका मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीशन जीरो तभी आएगा अगर सॉरी दो एलिमेंट का मल्टीशन जीरो तभी आएगा अगर उसमें कोई एक जीरो है. सो हम उसे कहते हैं इंटीग्रल डोमेन. अब हम उसमें ऐड करेंगे पांचवा चौथा कंडीशन जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. जैसे हम कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हमने एक नया नाम दिया है यूनिटी, उसी हिसाब से अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उसको हम बोलेंगे यूनिट यूनिट. ओके सो एन एलिमेंट which is non-zero in A, R is said to be unit if it has a multiplicative inverse. So last definition जिसमें हम ring अंडर मल्टीशन के जो पांच कंडीशन हमें ऐड करने थे क्लोजर एसोसिएटिव जो कि पहले ऐड हो चुके हैं रिंग बनने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थर्ड कंडीशन ऐड किया तो वो बन जाएगा रिंग विथ यूनिटी. पांचवा कंडीशन ऐड किया तो वो बन जाएगा कमिटेड रिंग विथ यूनिटी. सो चौथा कंडीशन मिसिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर हम उसको ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा फील्ड. लेकिन फील्ड बनने के लिए वो इंटीग्रल डोमेन होना जरूरी है. इफ R is an integral domain in which every non-zero element is a unit, then R is called as a field. क्यों नॉन जीरो एलिमेंट को कंसिडर किए? अब क्योंकि आर रिंग है तो उसमें जीरो भी है, सो जीरो को ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा. सो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट रिंग का जो जहाँ पे रिंग इंटीग्रल डोमेन है उस रिंग में अगर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है या फिर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट है तो उस रिंग को कहेंगे फील्ड. ठीक है सो ये इतने वैरायटी ऑफ रिंग्स हमें देखने हैं आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए रुकते हैं. थैंक यू.